स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में। यह वीडियो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज इसमें हम देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, लिपि क्या प्रयोग होती थी, नगरीय विशेषताएं क्या थी, कृषि और पशुपालन क्या होता था, धार्मिक विशेषताएं क्या है, जीवन शैली कैसी है यानी लोग किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे, यातायात के साधन क्या प्रयोग होते थे, व्यापार किस प्रकार होता था, शासन कौन चलाता था और वहां पर स्थान और साज के बारे में भी देखेंगे। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं खोजकर्ता के बारे में। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा था। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बैटन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई थी। कनिंघम ने 1853 से 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया, ये भी ध्यान रखना है। 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जब खुदाई हुई तो जो स्थल था उसका नाम हड़प्पा था, इसी के नाम पे पहले स्थल खुदाई में प्राप्त होने के उपरांत इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। 1922 में राखल दास बनर्जी को मोहन जोदड़ो का खोजकर्ता माना गया। तो खोज से संबंधित आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। अब देखते हैं काल निर्धारण के बारे में। इस तरफ निर्धारित तिथि दी गई है, यहाँ पर विद्वान है, अलग अलग विद्वान के द्वारा हड़प्पा काल की अलग अलग तिथि बताई गई है, अलग अलग काल है यहाँ पर, तो जो इम्पोर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो अब जॉन मार्शल का ध्यान रखिएगा, 2350 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच में, और गैज का है यहाँ पर 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, और मार्टिमर हीलर का है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। तो ये आपको तीन समय पीरियड इसके हड़प्पा काल के ध्यान रखनी है। नेक्स्ट नामकरण देखते हैं। तो हड़प्पा के तीन नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि खुदाई में सबसे पहले हड़प्पा स्थल प्राप्त हुआ था, हड़प्पा स्थल की खुदाई की गई थी, और सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि यह सिंधु और सरस्वती नदी के किनारे बसा है। इसकी विशेषता देखते हैं इस तरफ। तो पहले यह नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे नगर की जो विशेषताएं होती हैं वो सभी विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता में पाई गई हैं। आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के जो भी साक्ष्य मिले हैं उसमें लेखन कला तो यहाँ पे विकसित हो गई थी लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जिस काल के समय जो लेखन कला होती है उसे पढ़ा नहीं जाता तो उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता इसी के अंतर्गत आता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग होता था, कांसा तांबे और टिन का मिश्रण होता है, और इसे शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर युद्ध के कोई भी प्रमाण साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो आपको इतनी बातें इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कहाँ के थे। तो यहाँ पे कुछ दो प्रकार के मत दिए गए हैं, विदेशी उत्पत्ति का मत और देसी उत्पत्ति का, यानी कि भारत के लोग क्या कहते हैं और विदेशी जो भी इतिहासकार हैं वो क्या कहते हैं। तो सर जॉन मार्शल, गाइड चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, सर मार्टिमर व्हीलर, डी डी कोसाम्बी आदि पुराविदों की मान्यता है कि सैंधव सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है। तो ये सुमेरियन सभ्यता, यहाँ पे आप मेसोपोटामिया देख सकते हैं, इसी के अंतर्गत यहाँ पे सुमेरियन सभ्यता है। तो ये विदेशी जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि हड़प्पा जो के मुख्य निवासी थे वो यहाँ से थे, सुमेरियन सभ्यता से। लेकिन जो देसी इतिहासकार हैं उनका मत है इसमें है राखल दास बनर्जी की ये द्रविड़ थे, और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप का कहना है कि ये आर्य थे। तो आपको इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं हड़प्पा काल के कुछ प्रमुख स्थल हैं। यहाँ पे सुत कांगेडोर है, यहाँ पर मोहन जोदड़ो है, कोट दीजी है, चंद हुदड़ो है, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर है यहाँ पर, यहाँ पे आलमगीर है, कालीबंगन, बनावली है, राखीगढ़ी है, रोपण है, ये मांडा है जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पे हड़प्पा स्थल है। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आप चित्र मैप के माध्यम से आप इन सभी स्थलों को आसानी से याद रख सकते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो
उत्तरी बिंदु है, ये है मांदा, जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे जो उत्तर के बाद यहाँ पे दक्षिणी बिंदु है, ये है अहमदनगर महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है दैमाबाद, तो ये भी ध्यान रखना है। और पूर्वी बिंदु है, जो पूर्वी बिंदु है वो है आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश में है, हिंजन नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे सूत कांगे डोर है, इसका पश्चिमी पश्चिमी छोर है, ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है, और ये दांस्क नदी के किनारे स्थित है। तो आपको इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं, यहाँ पे आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ जो इसके स्थल हैं, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो पाकिस्तान में स्थल है, तीन स्थल देखते हैं पाकिस्तान के, हड़प्पा और यहाँ पर मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो के बारे में देखते हैं। तो दयाराम साहनी ने 1921 में इसकी खुदाई की थी हड़प्पा सभ्यता की, और ये रावी नदी के किनारे स्थित है, साहिवाल जिला पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है यहाँ पे मोहनजोदड़ो, ये इसकी खुदाई किया था राखल दास बनर्जी ने 1922 में, सिंधु नदी के तट पर स्थित है, लरकाना जिला पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है चनहुदड़ो, गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी, सिंधु सभ्यता के किनारे, सिंधु नदी के किनारे स्थित है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान से आपको ये तीन स्थल ध्यान रखने हैं, और इसके खोजकर्ता यानी जिन्होंने इसकी खुदाई करवाई थी उनके बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं, ये है धौलावीरा, इसके जो खोजकर्ता है जिन्होंने खुदाई करवाई थी वो है रविंद्र सिंह बिष्ट, कच्छ गुजरात में स्थित है, ये लूनी नदी के तट पर है। नेक्स्ट है लोथल, इसके जो खोजकर्ता है यानी जिन्होंने खुदाई करवाई थी वो है रंगनाथ राव, अहमदाबाद गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है। नेक्स्ट गुजरात का तीसरा स्थल है रंगपुर, रंगनाथ राव ने इसकी खुदाई करवाई थी, कठियावाड़ गुजरात में स्थित है और ये मादर नदी के किनारे स्थित है। तो गुजरात से आपको ये तीन स्थल ध्यान रखने हैं, पाकिस्तान के तीन स्थल। यहाँ पर नेक्स्ट ऊपर देखते हैं तो ये है रोपड़, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी, रोपड़ जिला पंजाब में है, सतलुज नदी के तट पर स्थित है ये। नेक्स्ट है बनावली, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खुदाई करवाई थी, ये हिसार जिला हरियाणा में स्थित है, रंगोई नदी के तट पर है। नेक्स्ट है आलमगीर उत्तर प्रदेश में है ये, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई थी, मेरठ उत्तर प्रदेश में है, ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगा, यहाँ पर या इनकी जो खुदाई करवाई थी वो थे वी वी लाल एवं वी के थापर, हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है और ये खग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो आपको ये कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, इनके बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है, और ये किस जगह पर स्थित है आप ये मैप के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी नगरीय सभ्यता, इसके अंतर्गत छह बड़े शहर थे, छह बड़े शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारी वाला, धौलावीरा, राखी गढ़ी और कालीबंगा। तो ये छह इसके बड़े नगर थे। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये है मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, गवेड़ी वाला, हड़प्पा, राखी गढ़ी और कालीबंगा। तो ये स्थल आपको ध्यान रखने हैं हड़प्पा सभ्यता के। नेक्स्ट है लिपि, इसकी जो लिपि है वो अपठनीय है यानी उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, और ये जो लिपि है वो दाई ओर से यानी इस तरफ से इस तरफ दाएं से बाएं लिखी जाती है और भाव चित्रात्मक है। इसका जो लेख है, जो शब्द है वो भाव चित्रात्मक है यानी भावों को चित्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो लिपि से संबंधित आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप ये एक मुहर देख सकते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से लिपि लिखी गई है, और ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये जो मुद्राएं मिली हैं यहाँ पे मुद्रांकन है यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नगरीय विशेषताएं क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो यहाँ पे ग्रीट पद्धति पर निर्मित शहर थे यानी कि जो शहर होते थे उन्हें कुछ इस प्रकार से समकोण पर काटा जाता था। सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था थी यहाँ पर, यानी जो जल निकासी थी नालियों की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से किया गया था कि घर की जो पानी होता है वो बड़े आराम से निकल जाए। और यहाँ पर पकी और अलंकृत ईंट, कालीबंगा में इसका प्रयोग किया गया है पकी और अलंकृत ईंट का। सड़क के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, तो ये भी ध्यान रखना है। उच्च शहर और निम्न शहर में इसका वर्गीकृत किया गया था यानी उच्च शहर और निम्न शहर, यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र में।
यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये दुर्ग है, ये उच्च शहर है और यहाँ पे ये निचला शहर है। यहाँ पे सामान्य लोग रहते थे और यहाँ पे जो भी शासन कर चलाते थे वो लोग रहते थे। कुछ जो अमीर लोग होते थे वो उच्च शहर में रहते थे और जो निचले शहर में रहते थे वो आम लोग रहते थे। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। उच्च भाग किला बंद होता था। अपवाद है कि कालीबंगा के दोनों भागों में किलेबंदी की गई है। यहाँ पे जो ये उच्च भाग होता था, उच्च दुर्ग, इसकी चारों तरफ से किलेबंदी की जाती थी इसकी सुरक्षा के लिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। तो आपको नगरीय विशेषताएं भी ध्यान रखनी है। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के प्राप्त घर हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से बीच से सड़क गई है और यहाँ पर ये समकोण पर काटती हुई ये घर बनाए गए हैं, एक एक किनारे बहुत अच्छी तरीके से। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये महान स्नानागार है जो प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो की एक नाली है, ये यहाँ पे नाली है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर ये उसमें बना एक नाला है, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये नाला है और इसमें एक बना कुआं है। तो ये चित्र के माध्यम से आप ये चीजें देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखते हैं कृषि और पशुपालन क्या होता था। तो यहाँ पर जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगा से, विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। प्रमुख फसल यहाँ की है गेहूं और जौ, चावल लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। पशुपालन में होता था बैल भैंस घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं सुरपोतदा कालीबंगा एवं लोथल से। तो ये कुछ इस प्रकार के हल हैं जो खिलौने खिलौने के लिए यूज होता होगा, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम देखते हैं धार्मिक विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं प्राप्त हुई है, इसमें स्पष्ट जानकारी का अभाव है कि वो लोग किस प्रकार से धर्म करते थे, पूजा करते थे या नहीं करते थे। यहाँ पे मंदिर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं, मातृ देवी की पूजा होती थी, मात्र सत्तात्मक समाज था। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुबड़ वाला सांड मिला है यहाँ पर, दाढ़ी वाला पुजारी मिला है मोहनजोदड़ो से। पशुपतिनाथ की मुहर मिली है मोहनजोदड़ो से, जिसके चारों ओर हाथी गैंडा चीता और भैंस हैं। अग्निकुंड मिला है कालीबंगा से। सूर्य उपासना स्वास्तिक चिन्ह मिला है जो सूर्य उपासना का है, सावधान प्रक्रिया किया थी। तो यहाँ पे सबों को जलाया जाता था, मोहनजोदड़ो में सबों को दफनाया जाता था। हड़प्पा में युग्म समाधि होती थी लोथर और कालीबंगा से। तो ये कुछ इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे आप पाई समाधान देख सकते हैं, लोगों को इस प्रकार दफनाया जाता था और उनके पास उनसे संबंधित कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। यहाँ पे एक पुरोहित राजा मिले हैं, ये आप मूर्ति देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की, ये दाढ़ी वाले पुजारी हैं। और यहाँ पे ये एक मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, यानी कि वो मातृ सत्तात्मक समाज था ऐसा कहा जाता है। ये एक आदि शिव की मुहर मिली है। तो ये कुछ आप चित्र देख सकते हैं यहाँ पे, ये पकी मिट्टी से बना एक वृषभ है। तो ये आप चित्र से इन चीजों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यातायात क्या था यहाँ पर। तो लोथल और सुरपोतदा गुजरात से बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते होंगे ये लोग, तो यहाँ पे आप चित्र में ये देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जीवन शैली क्या थी। तो मनके का कारखाना लोथल और चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। सूती और ऊनी वस्त्र मिले हैं। पासा शिकार जैसे मनोरंजन कार्य करते थे। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते होंगे। तलवार का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि शांति प्रिय समाज था यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आप कुछ चित्र में देख सकते हैं, ये मिट्टी से बनी हुई कुछ वस्तुएं हैं जो हड़प्पा कालीन है। तो यहाँ पे आप ये तांबे व कांसे के बर्तन भी मिले हैं और यहाँ पर ये लोग ये बाट का प्रयोग करते थे। यहाँ पे आप बाट फलक और ये मनके देख सकते हैं जो इस प्रकार हड़प्पा काल के लोग यूज करते थे। अब हम देखते हैं व्यापार के बारे में। प्रमुख धातु एवं प्राप्त स्थल देखें तो इस तरफ कच्चा माल है, यहाँ पे प्राप्त स्थल है। तांबा लाया जाता था खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। लाजवर्त लाते थे बदख्शां अफगानिस्तान से। फिरोजा और टिन आता था ईरान से। चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों से। अफगानिस्तान एवं ईरान से भी आता था। सीसा प्राप्त करते थे अफगानिस्तान और अजमेर से। शिलाजीत हिमालय से। गोमेद गुजरात से। तो यहाँ पे आप कुछ मुद्रा देख सकते हैं, मुहर, और यहाँ पे ये लोग कुछ इस प्रकार के
जो भी मुहरे हैं वो बनाते थे। शासन व्यवस्था देखें तो संभवतः कोई निश्चित नहीं है, संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था, क्योंकि यहाँ पे व्यापार अच्छा होता था तो संभवतः वणिक वर्ग ही शासन चलाते थे। अब स्थान और साक्ष्य देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके कुछ मुख्य स्थल हैं देख लेते हैं। तो पहला है हड़प्पा, यहाँ से मिला है एक श्रृंगी पशु वाली मोहर मातृ देवी की प्रतिमा, मोहनजोदड़ो, इसे मृतकों का टीला कहते हैं। यहाँ से मिला है सबसे बड़ा अन्नागार, स्नानागार, पशुपति नाथ की मुहर, नर्तकी की मूर्ति जो कि कांस की बनी हुई है, शव को जलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दाढ़ी वाला पुजारी मिला है जो ऊपर मैंने पुजारी दिखाया है आपको, कालीबंगा राजस्थान में है, यहाँ से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ी का कारखाना मिला है, युग्म समाधि मिली है, जुता हुआ खेत मिला है, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है सुरकोटदा गुजरात में है, यहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है लोथल गुजरात में है, बंदरगाह के साक्ष मिले हैं, यहाँ पे सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है इसे, धान और घोड़े के साक्ष मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, युग्म समाधि मिली है, मन के बनाने के कारखाना यहाँ से मिला है। धौलावीरा गुजरात में है, यहाँ से बांध और जलाशय स्टेडियम प्राप्त हुआ है। तो ये सभी आपको स्थल ध्यान रखने हैं और उसके साथ वहां से क्या क्या मिला है। अब देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उनसे संबंधित नदियां। तो इस तरफ स्थल दिया गया है, यहाँ पे नदी है, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर, कालीबंगा खग्गर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, रोपड़ सतलज नदी के तट पर है, माढ़ा चेनाब नदी के तट पर है, दैमाबाद प्रवरा नदी के तट पर, आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, सुत कांगेडोर दांस्त एवं दास्क नदी के तट पर, भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों एवं विद्वानों का क्या मत है। तो यहाँ पे इसका कोई निश्चित वजह हमें पता नहीं चली है कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ है, लेकिन इसके कुछ कारण हो सकते हैं जो विभिन्न इतिहासकार बताते हैं। तो बाढ़ का कारण हो सकता है कि बाढ़ आई होगी और समाप्त हो गया होगा सब कुछ, आर्यों का आक्रमण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, महामारी आई होगी या फिर कोई अदृश्य घासगिरी होगी। तो हड़प्पा सभ्यता के ये सभी कारण आप ध्यान रख सकते हैं, विनाश के ये सभी कारण हो सकते हैं। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं ये फायंस से बना एक पात्र है। फायंस क्या होता है? तो यहाँ पर ये बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिलाकर उससे वस्तु भी बनाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं वस्तु बनाने के लिए प्रयोग होता है फायंस। यहाँ पे ये कुछ मुद्रा दी गई है, तो ये भी देख लीजिए। यहाँ पे ये नीचे लोथल का बंदरगाह है, बंदरगाह भी आप देख सकते हैं। कुछ ये यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं, ये तांबे का एक दर्पण प्राप्त हुआ है, अवतल चक्की यानी ये सिल बट्टे का प्रकार है, यानी लोग पिसाई भी करते थे। तो यहाँ पे ये पकी मिट्टी का बना वृषभ ये मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये चीजें आप देख सकते हैं, ये धातु के कुछ औजार मिले हैं यहाँ से, ये फेयंस से बना पात्र है, और यहाँ पे एक हड़प्पाई मुहर है। तो ये सभी आप देख सकते हैं, ये बाट है जो कि चार कोने का बना होता था, और ये मनके और मुहरे हैं। तो ये सभी आपको चीजें चित्र से ध्यान रख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में ये बस इतना ही, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने डिटेल से जाना। वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही।